आज बांदा में अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज ने पिछले दिनों 8 दिसंबर को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में प्रसव करवाने के बाद गायब हुई महिला का बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में आज कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बताया है कि प्रसव करवाने आई विश्वकर्मा समाज की महिला प्रसव के बाद मेडिकल कॉलेज से गायब हो गई। दो दिन के बाद महिला का बलात्कार कर उसके शव को मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे फेंक दिया गया था, जिस पर परिजनों ने बांदा कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। लेकिन अभी तक कोई खुलासा ना होने से नाराज परिजन और विश्वकर्मा समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। रायमेकी न्यूज चैनल के लिए बांदा से खास रिपोर्ट। क्या नाम है और क्यों आज लोग यहाँ पर आए हुए थे? आज आज हम विश्वकर्मा महासभा से एक ज्ञापन दे रहे हैं। दो महीना पहले मेडिकल कॉलेज के अंदर एक विश्वकर्मा महिला की हत्या हुई। उसमें हमको आश्वासन मिलता रहा कि जांच हो रही है, जांच हो जाएगी, जो हो रही है तो हत्या का खुलासा होगा, और आज तक न हत्या का खुलासा हुआ ना अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तो अब हम सीबीआई जांच की मांग करने के लिए यहाँ आए। हम माननीय डीएम के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस हत्याकांड की जांच जो है सीबीआई हो, सीबीआई से कराई जाए। आखिर हत्यारा अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? रहस्यमय बना हुआ हत्या हुई, बलात्कार हुआ, अंगों की तस्करी हुई, अंग कटे मिले, और आज तक कोई कुछ हो ही नहीं रहा, एकदम दबा दिया गया इस मामले को। अभी तक ये था कि चलो योगी सरकार है और योगी सरकार में हत्यारा कहीं भी हो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाता है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है। ना तो बुलडोजर का पता है, ना हत्यारों का पता है, और ना हमको न्याय मिल रहा है। इसलिए हम इनके माध्यम से योगी बाबा जी से निवेदन करेंगे कि बाबा जी न्याय आपके लिए तो सबके लिए बराबर है ना, कोई भी हो। मेडिकल कॉलेज के अंदर हत्या हुई है, एक संगीन अपराध है, और आज तक कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया, ना कोई खुलासा हुआ हत्या किसने की, कौन है हत्यारा। हम इसी बारे में आए हैं और यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हत्यारों को पकड़ा जाए और हमें न्याय चाहिए।